अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है वेज मंचूरियन, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं झटपट। तो इन सब सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कैबेज ले लिया है 50 ग्राम्स, जो मैंने इसे चॉप कर लिया है महीन। एक कैप्सिकम और एक कैरेट, इन सबको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। हाफ अनियन ले लिया है मैंने, इसे भी चॉप कर लिया। 8 से 10 दाना मैंने गार्लिक और जिंजर लिया है और ग्रीन स्प्रिंग अनियन। साथ में इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 3 चम्मच मैंने कॉर्न स्टार्च इस्तेमाल किया है और 3 चम्मच के करीब मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है फ्लोर। तो सबसे पहले एक बॉल ले लेते हैं और सारी वेजिटेबल्स को एक साथ डाल देते हैं। ये देखें, मैंने कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम तीनों को बॉल में डाल लिया और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये जिंजर गार्लिक मैंने एक साथ चॉप कर लिया था, ये स्प्रिंग अनियन है। इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब हम इस्तेमाल करेंगे इसमें सॉल्ट का 1 चम्मच के करीब, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, फ्लावर और कॉर्न स्टार्च। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसे अच्छी तरीके से स्पून से या हाथ से, ये देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसका हम बना लेंगे इस तरह से, हाथ में मुट्ठी में डाल करके इसे इसका एक छोटा छोटा राउंड बॉल की तरह बना लेंगे। ये देखें, इसके अंदर का एक्स्ट्रा पानी जो भी है उसे आप अच्छी तरीके से निकाल लें। ये देखें, मंचूरियन बॉल रेडी है। तो चलिए तेल को हम गर्म कर लेते हैं और इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। एक एक कर करके हम इसे तेल में डालेंगे और इसे ज़रा भी टच नहीं करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो 5 से 7 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब इसे हम धीरे से टर्न कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से फ्लिप करेंगे। ये देखें, ज़रा भी मंचूरियन बॉल टूटा नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से ये ब्राउन हो गया। अब इसे हम निकाल लेंगे, तरह से इसे निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। चलिए अब हम इसकी बना लेते हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए हमें इन सब सामान की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने 3 चम्मच के करीब तेल लिया है, 2 से 3 ग्रीन चिली लिया है, जिंजर गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया है, 1 स्प्रिंग अनियन मैंने काट लिए, साथ में थोड़े से कैप्सिकम को काट लिया है और ये सब सॉस की ज़रूरत है, रेड चिली सॉस, सोया सॉस और टोमेटो सॉस। तो 2 से 3 चम्मच मैंने तेल को पैन में डाल दिया है और जिंजर गार्लिक को हम हल्का फ्राई कर लेंगे। साथ में डालेंगे ग्रीन चिली, इसे भी थोड़ा हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल इस तरह से चलाते हुए, बहुत ज़्यादा इसे हमें पकाना नहीं है। ये स्प्रिंग अनियन को मैंने ऐड कर दिया, मैंने स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पोर्शन अभी डाला है, बाद में हम ग्रीन वाला डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, भी मैंने साथ में ऐड कर दिया है, और सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस। इन सबको अच्छी तरीके से हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे सॉल्ट, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि सॉस वगैरह में भी काफ़ी सॉल्ट होता है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से इसे डालें। अब ये मैंने ले लिया 2 चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च, इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच पानी और इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। अब इसे ऐड करेंगे ग्रेवी में हम। ये देखें, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। मुझे थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर दी हूँ। ये देखें, इस तरह से 1/2 कप मैंने पानी ग्रेवी के लिए इसमें ऐड किया था। अब हम डाल देंगे मंचूरियन बॉल और इसे हल्की हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से, ताकि बॉल ये वाला मंचूरियन का हमारा टूटे नहीं। 5 मिनट के करीब हम इसे पकाएंगे, तेज़ी आंच पे बनाना है इसे, और साथ में ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियन। बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसे आप चाउमीन के साथ, फ्राइड राइस के साथ या पराठे के साथ इसे करें। चलिए हम इसे सर्व करते हैं।
ये हमारा वेज मंचूरियन तैयार है विद ग्रेवी। आप चाहें तो इसे बिना ग्रेवी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक